बंदे, बंदे स्वस्थ परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है इस जागरूकता अभियान में आज हम जानते हैं उस दिव्य औषधि के बारे में जो ऐसी औषधि जो हर घर में पाई जाती है चाहे वो राजा का घर हो या रंक का घर हो ऐसी कोई रसोई घर नहीं ऐसा कोई रसोई घर नहीं जहां पे यह औषधि नहीं पाई जाती है और वो औषधि है नमक नमक का चिकित्सा के क्षेत्र में कितना उपयोग है उनमें से आज बहुत ही प्रभावी और सरल उपचार नमक के बारे में बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से नमक का प्रयोग करके हम अपनी अनिद्रा के रोग को दूर कर सकते हैं आप विश्वास कीजिए ये हमारी दादी नानी परंपराओं में उपयोग की जाने वाली वो औषधि है जो हर घर में पाई जाती थी और उसका ना जाने कितने चिकित्सीय उपयोग रहे हैं तो उनमें से आज हम जानते हैं कि किस तरीके से नमक का प्रयोग करके हम अपने अनिद्रा के रोग से मुक्त मुक्ति पा सकते हैं और अपने शरीर में दर्द के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं तो इसके लिए करना क्या है कुछ नहीं बस सिंपल सा एक काम करना है आप अपने घर में पड़ा हुआ जो नमक है सेंधा नमक है काला नमक है दोनों में से कोई भी नमक है या सफेद नमक भी है आयोडाइज जो, जो कहते हैं आयोडीन वाला नमक है समुद्री नमक आ, अगर समुद्री नमक मिले तो ज्यादा अच्छा है बजाय कि रिफाइनरी किया हुआ तो अगर समुद्री नमक मिल जाता है ढेले वाला नमक मिलता है तो उसको पाउडर कर लें नहीं तो सेंधा नमक लें और काला नमक लें इन तीनों में से किसी भी नमक को तबे पे हल्का सेक लें सेकते सेकते हल्का सा ब्राउनिश टाइप का हो जाए बादामी कलर का हो जाए तो इसे आप रख लें और एक से दो चुटकी एक से दो चुटकी रात्रि में सोने से पहले अपने जीप पर रख के चूसें एक बार अगर आप इसे करते हैं आपको लाभ नहीं मिलता है तो लगातार 10-10 मिनट पे तीन बार कर लें अद्भुत लाभ मिलेगा दर्द में भी और अनिद्रा में भी इस तरीके के रसोई घर के चिकित्सीय ज्ञान को जानने के लिए हमारे प्रयास स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल स्वस्थ समृद्ध परिवार टेलीग्राम ग्रुप चै, ग्रुप चैट स्वस्थ समृद्ध परिवार व्हाट्सअप ग्रुप इन सभी से जुड़े और अपने अपने जीवन में रसोई घर के चिकित्सीय उपयोग को अपनाकर अपने परिवार को अपने समाज को स्वस्थ समृद्ध बनाएं और साथ ही साथ आप सभी से विनती है कि अगर आप लोगों को इन चिकित्सीय उपयोग का अनुभव मिलता है उसका अनुभव शेयर करें हमारे मनोबल को बढ़ाएं हमारी जो ये उद्देश्य है कि वर्तमान समय में और आने वाला भविष्य दोनों चिकित्सा क्षेत्र जो पूरा पूरी रूप से व्यावसायिक हो चुकी है और हम इसके मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं तो इससे अपने परिवार को बचाने के लिए हमें अपने रसोई घर की ताकत को समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा और खुद को भी जानना पड़ेगा और अपने आसपास के अपने हितेशियों को भी बताना पड़ेगा वंदे मातरम जय हिंद जय भारत जय राज्यवाद आपका भाई गोविंद शरण प्रसाद